Good evening, everyone. Namaste. So today we have Dr. Ritu Agarwal, and she'll be telling us about a very new divination tool, which is Egyptian cartouche cards. So मैंने भी नहीं सुना पहले, आज हम सुनेंगे रितु जी से Egyptian cartouche cards के बारे में. But before inviting her, I would like introduce her first to know about Dr. Ritu. She's the co-founder of Healing Hands. And she's a certified Reiki Grandmaster, DMIT counselor, doctorate in alternative medicines, past life regression therapist, tarot card reader and trainer. She is a spiritual psychologist and also a life coach. Yes, with her more than two decades of experience, she has touched thousands of lives in the form of meditation and healing. She's also cured many people suffering emotionally, physically, and mentally. Her motive is to aware people that everything starts from within, and we all are unique in our own ways, and we have tremendous power to achieve anything in life. So, so nice to hear all this. And with that, I would like to invite Dr. Ritu with us today on Rubaru. Hello, Ritu ji. Thank you, dear. Namaste, dosto. So nice to have you here. Same here. Thank you. आज हम बहुत ही अच्छे different divination tool के बारे में बात करना जा रहे हैं, जिसका नाम आपने बताया Egyptian cartouche cards, right? Yeah. So before starting, I would like to ask you, Ritu ji, please tell us about your journey first. Oh, thank you so much. So, meri jeevan yatra 1995 se start hui thi, when I was studying in college, very young girl, with the Reiki. और उसके बाद 96 में आई बिकेम रिकी ग्रैंड मास्टर 97 में फाइनली गॉट मैरिड विद वन हैप्पी फैमिली एंड अ चाइल्ड और उसके बाद 14 इयर्स तक मैंने लोगों के लिए फ्री सर्विस की विद द हेल्प ऑफ हीलिंग और आगे भर्ती गई उस दौरान रेकी से मैंने जाना कि हमारा शरीर क्या है कैसे बनता है कैसे हीलिंग पावर्स हमें अपने आप को साथ साथ में दूसरों को हील करने में मदद करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है पिरामिड पावर्स क्या होते हैं मेडिटेशंस कैसे करना चाहिए और डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं देयर वर सो मेनी थिंग्स अबाउट द चक्रास अबाउट लाइफस्टाइल एंड तो ये मुझे लगा कि सिर्फ दो दिन के प्रोग्राम में वो था इसके थ्री लेवल्स होते हैं अलग फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट किया था विद इन से 3 months और एक साल के बाद मास्टरशिप मिली तो फिर बाद में बहुत सारे कोर्सेज किए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ी और आर्ट ऑफ लिविंग ब्रह्म कुमारी देन लेटर में सदगुरु के साथ उस आश्रम में भी जाके रही बहुत जगह जगह मास्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे जैसे मैं जाती गई तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और मुझे लगा कि मिलती जुलती सी बातें हैं सब जगह कोई कैसे बता रहा है कोई कैसे बता रहा है लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग में मैंने रेकी से जानी थी पर क्लैरिटी और ज्यादा जो डेप्थ होता है जो ये कह सकते हैं कि ज्ञान एक अथाह सागर है इसमें ये नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया हम हर दिन हर पल हम सीखते हैं एवरी मोमेंट इज अ लेसन फॉर अस तो और क्लैरिटी और ज्यादा हैप्पीनेस के साथ ग्रो होती गई और साथ साथ में जो मैंने सीखा था तो हमेशा से मुझे लगा था कि जो मैं सीखती हूँ वो मैं लोगों को सिखाऊं उनको बांटू वो मेरे तक ना रहे तो मैं क्योंकि शादी के बंधन में थी और फैमिली हो गई तो इतना मैं ट्रेनिंग पे मेरा फोकस नहीं रह पाया लेकिन जो मेरे नियर डियर वंस थे फ्रेंड्स थे रिलेटिव्स थे अगर उनको कोई भी असुविधा होती थी तो मैं उनको हीलिंग के माध्यम से हेल्प करती थी मेरी हस्बैंड इज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस रेकी नॉर्थ ईस्टर्न जोन तो ट्रेनिंग सेशंस वो हमेशा लेते थे और उनके साथ मैं भी फिर जुड़ गई
ऐसे करके बहुत साल तक हम लोगों ने मिलके काम किया, इनफैक्ट आज भी हम कर रहे हैं, और 2009 में फाइनली प्रोफेशनली काम करना मैंने चुना कि अब मैं जो भी मैंने सीखा है वो अब मैं प्रोफेशनली तरीके से करूंगी। 2013 में हमने एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करवा लिया जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स, और उसके बाद अब हम पूरे तरीके से मतलब सर्टिफाइड वे में अब लोगों को और जो जो सीखा है उसका ट्रेनिंग के साथ में देते हैं, जिसमें सर्विसेज होती है हमारी साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी, रेकी ट्रेनिंग, माइंडसेट हीलिंग, और अलग अलग वर्कशॉप्स हैं, जैसे इनर ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप्स हैं, दैट इज फॉर द चिल्ड्रंस एंड फॉर द एडल्ट्स बोथ, और बहुत सारे फ्री वर्कशॉप्स भी टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि वो अपने आप को हर तरीके से कैसे स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। तो आवर मेन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टुवर्ड्स माय लाइफ इज ओनली दैट अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न एंड हील योरसेल्फ, आप आत्मनिर्भर बने, तो किसी के ऊपर भी आपको डिपेंडेंट होने की कभी भी जरूरत ना पड़े। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि आप इसमें डूबते जाइए, पढ़ते जाइए, कभी अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है कुछ ऑडियोज आप सुन सकते हैं, आपको ऑडियोज में नहीं कुछ प्रैक्टिकल्स, मतलब देखिए कोई ना कोई चीज में तो आपको इंटरेस्ट होगा ही, तो आपको जो सुविधा लगे जो अच्छा लगे, मेरा यही आप लोगों से सजेशन रहेगा कि किसी से भी कहीं से भी अगर मौका मिलता है जस्ट लर्न, लर्निंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट, ये मैंने अपने जीवन से सीखा है, जाना है, और उसी चीज से सीखती गई हूँ, उसी से कमाया है, उसी पैसों से ही और चीजें मैंने सीखा, ऐसा नहीं कि अपने बैंक बैलेंस को खाली करा है, एक चीज सीखा, 10 लोगों को सिखाया, उससे अर्न किया, उससे और नए वर्कशॉप्स अटेंड किए, तो वो मुझे बहुत डबल हैप्पीनेस देता है कि आई एम इंडिपेंडेंट एज वेल एज एट द सेम टाइम आई एम हेल्पिंग पीपल ऑल्सो, और वो भी इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं, तो दिस इज यू नो यू ऑल कैन डू इट, कि आप भी ऐसे करिए, और देने में जो मजा है वो लेने में नहीं होता। सो रितु जी, आई थिंक ये पैंडेमिक ने हमें अभी बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि हमें अपने ऊपर भी वर्क करना है और दूसरों की हेल्प भी करनी है, और काफी हम लोगों ने देखा है अपने आसपास में कि बहुत लोगों ने खुद पे काम करा भी है और दूसरों की हेल्प भी करी है हर तरीके से। सो दिस इज द टाइम टू यू नो गेट बैक टू आवर रूट्स एंड थिंक व्हाट हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स एज वेल। So coming back to our audience, thank you Manohar ji, Ambika ji, Sanna ji, thank you Kiran ji, Nidhi, thank you everyone, thank you Pooja Sarteva, thank you Kritika, thank you all for joining, and coming back to today's topic, bahut besabri se, Ritu ji, tell us what is this divination tool, Egyptian cartouche cards, tell us about this. Sure. तो दोस्तों, ये इजिप्शियन कार्टूश एक माइथोलॉजिकल स्टोरी पे बेस्ड होकर ये कार्ड बने हैं, और इजिप्शियन कार्टूश का मतलब क्या है, जैसे कि आपको बताऊं, वहां पर ये जो एक ओवल शेप आप अगर देख पा रहे होंगे, कुछ आइकन्स बने हुए हैं और ये ओवल शेप में है, तो ये इसमें जो सिंबल्स एंग्रेव्ड होते हैं उसको कार्टूश कहा जाता है। तो जैसे कि आप इसको समझने में इजी ऐसे होगा कि अगर हम कोई शिव के मंदिर जाते हैं तो अगर वहां कोई त्रिशूल बना हुआ रहता है या उस मंदिर के बाहर नंदी बैठा हुआ है तो हमें दूर से पता चलता है कि वो शिवा का मंदिर है, या फिर हम गणेश जी के मंदिर जाते हैं तो बाहर चूहा बैठा हुआ है तो हमें वो उस एक आइकन से पता चलता है कि अच्छा ये इस देवी या देवता का मंदिर है। तो उसी तरह से इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी जो देवी देवता थे और वो भी बहुत सारी शक्तियां उनके अंदर जो थी, तो उनमें कुछ एक मार्क होता था, वो मार्क अलग अलग उनके मंदिरों के बाहर ऐसे बने हुए रहते हैं, तो वो उससे पता चलता है कि ये उस देवी देवता का मंदिर है या वो उसको फॉलो करते हैं।
तो दिस इज इन दैट वे, दिस कार्ड्स में जो बने हुए हैं वो इस तरह से हैं, राइट. और दूसरी इस कार्ड की एक क्वालिटी है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो एक नीचे जो आइकन बना हुआ है सेम वैसा ही आइकन इस साइड में ऊपर की ओर है, एक साइड रिवर्स है एक साइड अपराइट है. तो जब ये कार्ड हम रखते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि वो कार्ड रिवर्स वे में है या अपराइट में है. मतलब इसकी डिविनिटी और ये कार्ड जो क्रिएट किया गया है ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से है कि आप इसमें चीट एज अ मास्टर हम अपने आप को भी वो नहीं कर सकते. जो खुलेगा वही सही होता है. तो ये इजिप्शियन कार्ड्स के बारे में है. और ये कार्ड्स दिखने में कैसे लगते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. ये ऐसा एक बॉक्स में आता है, आप इधर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है माय मैजिकल बॉक्स. यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज इटसेल्फ अ मैजिकल कार्ड्स. और इसमें इस तरह से ये एक बुकलेट है और फिर उसके बाद इसमें ये 25 कार्ड्स का डेक होता है. हियर व्हाट इज द डेक मीनिंग. डेक यानी कि हर एक कार्ड को डेक बोला जाता है. तो बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स होते हैं, अलग अलग कार्ड्स. जैसे आप लोगों ने सुना होगा एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, मर्मेड डॉल्फिन कार्ड्स, टेली लाइफ रीडिंग कार्ड्स. यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंट कार्ड्स, बट अमॉन्ग देम कोई कार्ड्स हाईएस्ट जो होता है टैरो कार्ड्स. तो वो सारे कार्ड्स आपके मैक्सिमम जो है 72 कार्ड से लेके मिनिमम 25 तक होते हैं. जो 25 मुझे इजिप्शियन कार्तुश में ही मिला है. बाकी सारे जो डेक्स होते हैं अब उसमें 45, 54, 48 मतलब रैंडम होते हैं अलग अलग. तो वो किस तरह से होते हैं वो आप देख सकते हो. जैसे आपने ये बहुत ही कॉमन है डोरियन वर्चू, हर कोई जानता है और इजीली अवेलेबल है, वो इस तरह से है. मर्मेड डॉल्फिन्स इस तरह से है. इधर आप देखेंगे लिखा हुआ है आर्कएंजल ओरेकल कार्ड्स. तो ये अलग होते हैं. और जो सबसे पॉपुलर कार्ड्स होते हैं वो होता जो हम सब बहुत ज्यादा सुनते हैं या देखते आए हैं वो होते हैं टैरो कार्ड्स. वो इस तरह का डेक होता है. इधर आप देखेंगे ये हम इसको टैरो कार्ड्स बोलते हैं. जनरली ये टैरो कार्ड नहीं, ये राइडर वेट के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है. तो जो टैरो कार्ड भी बहुत तरह के हैं लेकिन आपको समझना है कि विच टैरो कार्ड. दिस इज राइडर वेट और ये सबसे पॉपुलर है. इसमें 72 कार्ड्स होते हैं बट ये उन सब चीजों से डिफरेंट है. हाउ इट इज डिफरेंट नाउ, क्योंकि इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि आप एस्ट्रोलॉजी करना सीख जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स कर सकते हो. ये कैसे पॉसिबल है? ये एक कोर्स 10 days का इसका कोर्स है. अगर ऑनलाइन करते हो तो, ऑफलाइन करते हैं तो 2 days में आपको करना है. ईच डे 7 hours, तो यू कैन से 14 hours चाहिए होते हैं. और इसमें पूरा प्रैक्टिकल्स के साथ, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल्स के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है. तो यू कैन लर्न दैट वे. और इसमें हर कार्ड्स में वैसे अपराइट एंड रिवर्स दोनों चीजें होती हैं, उसके मीनिंग्स होते हैं. लेकिन मैंने देखा कि जब मैं वो कार्ड्स जब मैंने सीखा, क्योंकि सीखना हमेशा से मेरा शौक रहा है, तो जब मैंने देखा कि उन सारे कार्ड्स के अंदर 72 है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 कार्ड्स के प्रेडिक्शंस आपको जानने हैं, समझने हैं, उन्हें याद रखना है या दूसरी दूसरी चीजें हैं. पर इसमें जस्ट 25 डेक्स है. उसको याद करना भी सिंपल है, इसको समझना भी बहुत आसान है. और इससे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन होता है जो बाकी कार्ड्स में नहीं होते. तो इसमें एस्ट्रोलॉजी में जैसे 12 हाउसेस के 12 जो घर होते हैं सेम वही इसमें भी होते हैं. ये मैंने जब सीखा तब मैंने जाना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 6th हाउस हेल्थ का है तो यहाँ पे भी 6th हाउस आपका हेल्थ का ही होता है. अगर 1st हाउस आपका पर्सनालिटी का है तो यहाँ पे भी वही होता है. तो एवरी मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में जैसे 12 घर के जो मीनिंग है
यहाँ पे भी जैसे सेवेंथ हाउस आपका मैरिज का होता है, तो यहाँ पे भी सेवेंथ हाउस मैरिज का ही बताया गया है। तो ऐसी चीजों को याद करना और इसको मतलब बहुत अच्छे से कनेक्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको कोई डाटा नहीं चाहिए, ना टाइम ऑफ बर्थ, ना प्लेस ऑफ बर्थ, ना ईयर ऑफ बर्थ, कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट योर नेम, सिर्फ नाम ही काफी है। तो बहुत लोगों के अगर जब बर्थ चार्ट नहीं होते हैं तो वो उनको लगता है कि हम कैसे जाने कि हमारे लाइफ में हमको कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन सभी को चाहिए, बट दे हेल्पलेस। दीज आर द कार्ड्स थ्रू विच यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपको किसी को भी हताश होने की जरूरत नहीं है और आपको अपनी लाइफ की कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी पड़ती। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे चीज लगी। तो दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट्स एंड द इम्पोर्टेंस अबाउट दिस कार्ड। नाउ आई विल टेल यू कि हाउ इट इज डिफरेंट। रितु दी, बीच में एक मैं बोलना चाहूंगी कि अंबिका जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, सो टू टेल आवर ऑडियंस, आज हम एक एंड में सरप्राइज करने वाले हैं, जिसमें कि एक डेमो जो है वो रीडिंग का रितु जी देने वाली है। सो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक, और एंड में एक लकी विनर को हम एक डेमो सेशन भी देंगे जरूर। सो प्लीज वेट टिल द एंड टू नो द सरप्राइज, राइट रितु जी? वेरी ट्रू, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो द प्रेडिक्शंस एंड द रीडिंग्स कि ये मैं आपको जानती नहीं हूँ, मुझे आपके लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, पर आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिखिएगा, पूजा जी उसको पढ़ के बता देंगी, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट थ्रू द कार्ड्स। वन डेमो विल बी डन एंड इन द एंड दैट टू, सो बने रहिए हमारे साथ। टिल द टाइम आई विल कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बताइए रितु जी कि हाउ दिस दीज इजिप्शियन कार्ड्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कार्ड्स। आपने बताया कि आप एक तरह के टैरो कार्ड्स भी करते हैं एंड देन यू डू मेनी अदर मोडालिटीज, तो हाउ दिस इजिप्शियन कार्ड्स आपके लाइफ में इतने आपके क्लोज आ गए, एंड सेकेंडली कि कैसे ये बाकी सब कार्ड से डिफरेंट है? हाँ, तो जैसे कि सबसे पहले कि ये कार्ड मेरी लाइफ में कैसे इतने क्लोज आए, उसका है कि मैं हमेशा से सीखना तो ये मेरा शौक रहा है, मैं हमेशा करती हूँ, पर जैसे कि मैंने बहुत सारे कार्ड्स पहले भी सीखे हैं, तो उन सब कार्ड्स के बाद जब ये फाइनल कार्ड मेरी लाइफ में आया, तो मैंने पाया कि मुझे जो अल्टीमेट सॉल्यूशंस चाहिए होता है अपनी लाइफ का, कि मुझे प्रॉब्लम क्यों है, किस लिए है, क्या कारण है उस प्रॉब्लम का, और फिर मुझे क्या करना चाहिए, मतलब रेमेडीज भी है, एंड फाइनल उसमें आउटकम, अगर मैंने वो रेमेडी को अप्लाई किया तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, और वो रिजल्ट के साथ फाइनली उसका आउटकम क्या निकलेगा। तो ये एक क्वेश्चन में पांच चीजें निकल आती है, यानी कि अगर समस्या है तो उसका कारण क्या हो सकता है, हम समस्या को जानते हैं लेकिन हम कभी ये कभी नहीं सोचते कि व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज कम इनटू आवर लाइफ, वी जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम बट नॉट ऑन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सो हियर दे ऑल्सो हेल्प अस टू नो द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो जैसे कारण पता चल जाता है तो निवारण करना बहुत आसान, दैट इज द फैक्टर्स, आप क्या उपाय करेंगे, एंड हियर वो उपाय ही अल्टीमेट होता है जो हम ढूंढ रहे होते हैं और कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो क्लैरिटी आ जाती है। जैसे ही वो क्लैरिटी आ जाती है तो एक पेशेंस आता है, सेटिस्फेक्शन आता है, होप बन जाती है, तो फिर हमें और चीजों की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंटेंटमेंट इज द अल्टीमेट थिंग दैट वी ऑल वांट, राइट? और वो रिजल्ट मैंने देखा है कि होता ही है, अगर वो चीज अगर मैंने मानी है तो उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता ही है। तो दैट इज व्हाई दिस कार्ड्स, यू नो, आई गॉट वेरी मच कनेक्टेड, इट केम टू माय लाइफ विद वन ऑफ मेरे स्टूडेंट के साथ ही मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे पता चला, कोई एक इजिप्शियन मास्टर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बताया, फिर उनके वर्कशॉप जब होने वाले थे मैंने तुरंत एनरोल किया और मैं ये सीख गई।
तो वो कहते हैं कि कोई चीज अगर आपके जीवन में आनी लिखी होती है तो किसी ना किसी रूप में आपको मिल ही जाती है। और सबसे अनोखी एक सरप्राइजिंग बात कि मेरे हस्बैंड ही इज अ डॉक्टर इन एस्ट्रोलॉजी और वो मुझे चाहते थे सिखाना कि तुम ये चीज सीखो, पर somehow मैं कभी कनेक्ट नहीं हो पाई। ही गेव हिज 100% टू टीच मी, पर मुझे हमेशा लगता था नहीं ये राहु केतु ये दशा ये गुरु इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, somehow यू नो मैं दूर चली जाती थी मैं नहीं करती थी। और जब मैं सीख कर आई तब उन्होंने बोला आखी ये इतना सिंपल, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तब आने के बाद मेरे को पता चला कि ओके ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हो रही है, तो इट वॉज यू नो दैट वॉज सो वंडरफुल कि इट केम एज अ गिफ्ट इन टू माई लाइफ। सो ब्यूटिफुल। सो कई बार हम हमारी लाइफ में वो होना होता है बट हम सीधे चैनल से नहीं आते तो वो दूसरी ऑप्शन सामने आ जाती है। सो फरीद जी पूछ रहे हैं, ही इज आस्किंग दैट ही इज फ्रॉम पोलैंड, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर कमिंग सून इन बिटवीन मी एंड जीनन, सो आर वी आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस हियर। सो फरीद वी विल बी डूइंग वन डेमो इन द एंड, सो बी विद अस, स्टे ट्यून्ड एंड इन द एंड वन लकी विनर विल हैव अ डेमो reading today. So hello Mohit, hello Kanika, Manisha, thank you for joining and coming back to our chat today. So Rituji, you were telling us about you have been doing all these tarot cards and so many other divination tools, so how did you find it different from Egyptian cartouche card, how did you find different from other divination tools you are doing? जैसे कि अगर हम ये बात करें कि एवरी टूल इज इटसेल्फ अ रियली डिविनेशन टूल, कंपैरिजन तो कोई चीज का हो ही नहीं सकता क्योंकि हर चीज अपने आप में यूनिक होती ही है। पर जैसे मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजी की, अगर इस कार्ड में हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड इज अबाउट द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो अगर कुछ भी हमें जाना है तो वी गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और वो हमें गाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल में हम भी जब से बड़े हुए या कोई भी चीजों से जब हम जुड़ते हैं तो देखते हैं कि हमको डर लग जाता है एक अजीब सा कि अगर कुछ गलत आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, या फिर मुझे कुछ ऐसा कुछ जेम्स बता दिया या कोई पूजा बता दी या मुझे कोई ऐसा धर्म कर्म बता दिया, देन व्हाट विल आई डू, क्योंकि अगर मैं विश्वास नहीं करती हूँ भगवान पे तो मैं फिर क्या करूँ, या मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं कोई पूजा उजा करवा सकूं, देन व्हाट विल आई डू। यानी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने की बजाय कहीं ना कहीं हम और डर जाते हैं, ऐसा होता है। तो लेकिन ऐसा है कि दोस्तों जो मैंने देखा कि ये इंडिया में ही बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को खराब हो जाती है पैसे कमाने के चक्कर में, बट ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज अच्छी नहीं है, उसके भी बहुत अपने पावर्स हैं। एस्ट्रोलॉजी में वो शक्ति है कि जन्म से लेकर अंत समय तक, मतलब एक ही चार्ट के द्वारा आप पूरा जान सकते हो आज से 10 साल के बाद भी कब ग्रहण होगा क्या होगा, ये चीजें बता देते हैं। तो जो एक्चुअल वो मास्टर है कितने साल से है, कोई डॉक्टरेट अगर उस लाइन में है तो आप उसको पहले देख के आप उसके पास जाइए, कोई माला पहन के और इस तरह से बैठ गया और बता रहा है कि आप ये कर लीजिए वो पूजा कर लीजिए तो बी अवेयर ऑफ इट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस और लाइफ के उससे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, अगेन द चॉइस इज योर्स, बट हियर देर इज नो दशा, नो गुरु, नो राहु केतु, नो प्लैनेटरी सिस्टम्स, कुछ भी नहीं है। दिस इज रियल ब्यूटिफुल कार्मिक कार्ड, से आपको खाली अपने माइंड को कैसे चेंज करना है वो तरीके से आपको हेल्प करता है, मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम is being created with your mind, by your mind, right? And the solution is also within you. But we don't know how to get that solution. अभी अगर आप meditate नहीं करते हैं तो आपको तो solution पाने का right है, तो आप क्या करोगे उस समय? You need someone. कभी ऐसा होता है किसी को बोलना नहीं चाहते अपनी दिल की बात, ऐसा लगता है उसको नहीं पता चलनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या है, then what you will do? तो फिर आप परेशान क्या रहेंगे?
तो उस समय ये कार्ड इज अ फ्रेंड फॉर योर लाइफ. यू कैन टेक द यूज ऑफ दिस कार्ड और इससे आप हेल्प ले सकते हैं. ये आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट तरीके से गाइड करता है. तो ये बहुत ही ऑथेंटिक वे में हेल्पफुल है और इजी है आपको ये जानने के लिए कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं और क्या करना है. तो इसमें कोई पूजा नहीं करनी, जैसे मैं बहुत लोगों का करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं मैम प्लीज कोई व्रती बता दीजिए ना, अगर आप रेमेडी में जैसे ना वो पूजा आदत हो गई है ना कि कुछ जेम्स पहनेंगे पूजा करेंगे तो ही हमारा अच्छा होगा, नहीं तो अच्छा ही नहीं होगा, वो ग्रह शांत नहीं होंगे. तो आई टेल देम कि नहीं इसमें कुछ नहीं करना. देन दे सेज मी कोई गाय को चारा देने से ठीक हो जाएगा या कोई जेम्स पहनने से ठीक हो जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा इसमें नहीं होता है कुछ भी. या एनर्जी टूल्स बहुत सारे होते हैं जो इकोनॉमिक भी होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है तो यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ सम काइंड ऑफ जेम्स और अरोमा या कोई घर पे इस तरह का वो कपूर एंड ऑल, मतलब जो होम रेमेडीज हैं वो हम गाइड करते हैं इसमें, जो एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन अफोर्ड और 99% उनके घर पे होती है वो चीज. कुछ तरह से होता है कि सेल्फ हीलिंग, तो आप हीलिंग करो, अपने आप को इंटरनली क्लीन करिए और ऑटोमेटिकली आप हैप्पी रहना शुरू करेंगे, हेल्दी रहना शुरू करेंगे, तो आप हर प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली खुद ही ओवरकम कर पाएंगे. दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कार्ड एंड लर्निंग. इट इज दैट यू नो वेरी सिंपल इजी. इट इज ऑल अबाउट योरसेल्फ. सो रितु जी, जहाँ पर ये कार्टूश कार्ड्स की बात आती है वहां पर हाइरोग्लिफिक्स की भी बात आती है. सो आप बताइए कि इसका क्या मतलब है और ये जो है ये कार्ड्स इजिप्शियन कार्ड्स के साथ कैसे लिंक है. हाँ, ये फॉर एग्जांपल एक कार्ड है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ. ये ओसाइरस है जो एक राजा है और इधर एक यहाँ पे एक कार्ड का नंबर दिया हुआ रहता है और इधर दूसरे साइड में एक साइन दिया हुआ है. ये साइन को हाइरोग्लिफिक्स बोलते हैं. तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, हर कार्ड का मतलब जो इसमें जो राजा रानी है या जो भी इसके मेन मेजर कार्ड्स वगैरह हैं तो उसमें उन सभी लोगों के कुछ अपने डिवाइन पावर्स थे. तो वो पावर्स क्या क्या थे, किस तरह से थे, और तो उनके वो एक साइन दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिवा का एक साइन है डमरू भी है, त्रिशूल भी है, नंदी भी है, हाँ वो चांद भी बना हुआ है. तो कुछ कुछ कार्ड्स में आपको 3-4 हायरोग्लाफिक्स मतलब वो साइंस मिलेंगे जो जो उनके पावर्स हैं, वो उस साइंस को ही हायरोग्लाफिक्स बोला गया है इस कार्ड में. सो हेलो रिद, हेलो कनिका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और हमारे साथ बने रहिए एंड में, बिकॉज वन पर्सन विल बी लकी टुडे टू हैव दिस रीडिंग फ्रॉम रितु जी. सो एंड में वी विल बी अनाउंसिंग, अगर आप रहेंगे हमारे साथ सो हम आपसे उस समय पूछेंगे और आपको आपके एक डेमो सेशन आज फ्री मिल सकता है. So, आप रितु जी ये बताइए कि who all can learn this divination tool और इसके क्या benefits रहते हैं और इसको सीखने से क्या क्या फायदा मिलता है. तो सबसे पहले तो ये cards actual में बताऊं तो एक आजकल जैसे बच्चे बहुत intelligent हैं, बहुत ज्यादा you know they are very smart. तो व्हाट आई हैव सीन कि अगर सीखना चाहें तो वो लोग 14-15 ईयर्स से भी कोई भी सीख सकता है, बट आई वुड रिकमेंड आफ्टर 18. जनरली मैं नहीं सिखाती हूँ क्योंकि ठीक है जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, पर कम से कम अभी बेसिक अपने ऊपर काम करें, दैट इज अ लर्निंग थिंग. तो दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल. तो इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है कि आप पढ़े लिखे होंगे तो ही आप ये विद्या सीख पाओगे. आप को जस्ट यू नो फेथ, ट्रस्ट एंड सरेंडर. कोई भी चीज आप सीखिए उसमें सिर्फ जो 3 बेसिक टूल है ये आपके जीवन में होनी चाहिए. अगर ये 3 चीजें हैं तो आप आराम से सीख सकते हो. तो आई वुड से 18 प्लस से लेके एनी एज नंबर ऑफ द पीपल कैन लर्न. ओके,
टेल मी वन थिंग कि जैसे टैरो और एंजल कार्ड सब बहुत ज्यादा यू नो वेरी फेमस एंड पीपल नो अबाउट दिस डिविनेशन टूल्स, सो व्हाई इजिप्शियन कार्टूश कार्ड्स आर नॉट दैट फेमस? ओके, तो अभी ये पद्धति बहुत नई है. 1983 में ये कार्ड का इन्वेंशन हुआ था बाय अ लेडी मरी होप, वो इंग्लैंड की लेडी है, और उन्होंने अभी बहुत लिमिटेड 23,000 डेक्स का उन्होंने इसका पब्लिकेशन करवाया बाय जेड एंड कॉलर्ड, दो लोग ने मिलके इसका इन्वेंशन किया, मतलब पब्लिकेशन किया था. और ये कार्ड्स एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है, ये इंडियंस आपको रुपीज में नहीं मिलेंगे. अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो आइदर यू हैव टू परचेज इन यूरो और डॉलर्स. तो इसीलिए इतना ज्यादा ये फेमस शायद नहीं हो पाया. और फिर पहले तो कार्ड्स ही 50,000 प्लस के लगभग ये कार्ड स्टार्ट होते हैं, फिर इसकी फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, क्योंकि कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है तो फिर उसकी कॉपीज भी हो जाती है, तो ऐसा भी है इसके अंदर. और फिर ट्रेनिंग का भी अपना एक कॉस्ट होता है, तो मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ और ये इजिली अवेलेबल भी नहीं है. तो आई वॉज द लकी वन मे बी कि मुझे ये मिला, और उस समय मैंने काफी इन्वेस्ट भी कर दिया था, तो कुछ डेक्स मेरे पास हैं और अभी हम उस कंपनी के साथ हमने ऑलरेडी टाई अप भी किया है तो मुझे मिल जाते हैं. तो आप ट्रेनिंग देते हैं इन कार्ड्स की, एंड व्हाट अबाउट द पर्सनल रीडिंग्स? जी हाँ, ये ट्रेनिंग्स बिल्कुल देती हूँ मैं, और पर्सनल रीडिंग्स भी जो चाहे वो भी ले सकता है. एक आपको अपॉइंटमेंट लेना है अभी जैसे सोसाइटी के थ्रू आप ले सकते हैं. इसमें दो ही तरह से रीडिंग होती है. फर्स्ट रीडिंग है हॉरोस्कोप का, जिसमें पूरा आपको अपने पर्सनालिटी, करियर, फैमिली, रिलेशन, चिल्ड्रन, हेल्थ, पास्ट लाइफ, फ्रेंड सर्कल्स, अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, हायर जर्नी एब्रॉड का, एवरीथिंग विल कम टू नो, इवन अबाउट योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें होती है. और दूसरा होता है स्टार स्प्रेड बोलते हैं उसको. तो स्टार स्प्रेड के अंदर में जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब आपके मन में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको एकदम टू द पॉइंट आंसर चाहिए उस समय, मतलब यू डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, तो वो क्वेश्चन आप करिए तो उसमें इमीडिएटली आपको सारा कुछ निकल के आएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, किसलिए हुई, अब क्या करना है और क्या करने से क्या फायदा होगा, जो सारा कुछ है उसमें. फिर आपको वो डर खत्म हो जाएगा एंड यू विल फाइनली गेट दिस. I think we are ready for that question. Are we, Ritu ji? Yeah, definitely, yes. So, मैं अपनी सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी, सो जो भी स्क्रीन पे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें से जो भी फर्स्ट पर्सन जो मैं आप वर्ड बोलने वाली हूँ वो टाइप करेंगे, तो उनका जो है हम डेमो एक क्वेश्चन का सेशन डेमो रीडिंग कराएंगे. सो दैट वर्ड इज रेनबो. सो सबसे पहले जो भी रेनबो लिखेगा हमारे कमेंट बॉक्स में, तो उसको हम एक ये जो रीडिंग है वो फ्री देंगे. सो लेट्स सी कि कौन आज का लकी विनर है. एंड थैंक यू यशवीर जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अंबिका जी, थैंक यू तनुज, सो बेला जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. So, let's see किसने सबसे पहले लिखा है. So, मेरी स्क्रीन पे सबसे पहला, और भी लोग लिख रहे हैं, लेट देम राइट, लेट्स मेक इट अ लिटिल सरप्राइज. So, सबसे पहला रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि हैज रिटन रेनबो on my screen. Yes, Riddhi, you are the lucky winner today. Congratulations. You can write your question in the comment box and then you will know the answer from Dr. Ritu right now. And whatever answer you will get, you can write us the experience, your own understanding with that answer. Can you relate with it?
So yes, here you have to ask that question. So Riddhi, we are waiting for you. Tell her to give the full name. Yes, Riddhi, you have to give your full name here if you want to know the answer, and you have to write the question here. So Tanuj, YouTube or Facebook, dono ke comments ek saath mere paas aa rahe hain since I am the host, and exactly at the same time we get all the questions. So you don't worry. YouTube or Facebook, dono ke comments hame saath saath hi screen pe milte hain. So yes, Riddhi, are you ready? Or else we will go to the next person. So Riddhi, are you interested for this reading? Yes. Riddhi Rajesh Tadvi, Tadvi. She wants to know about her marriage. When will I find my life partner and how will he be? So I think we can ask one question. Yeah, isme, dear friends, you have to be very, very specific what you want to know. So when will I get married? It's about the number. Ki kaun se mahine, hafte ya saal. That is a different thing. But yes, and what was the first question? This was the first question. I want to know about my marriage. When will I find my life partner? Achha, when will I? That is about the number of the time. Okay. So when matlab isme aapka khali time duration aa raha hai, agar aap kuch aisa poochiye time duration to main de hi dungi, but kaisa chahiye, kya chahiye, to kya main aapke liye ye kar dun ki aap kaisa jeevan sathi chahte hain, aapke man mein kya hai. So please write to us if yes ya no karke aap kuch comment mein bata de. Isme question puchna bhi ek art hai. You have to be very specific. Mujhe kya chahiye? What do I want? That should be clear. So divination, every divination tool has, I think, kaisa milega, she's writing. Acha, kaisa milega. Very good. So inka pura naam Divnesh? Riddhi Rajesh Tadvi. Riddhi Radesh? Rajesh. Okay. So friends, divination tools, जब भी आप कराने जाएं, तो be very precise with your questions, because it makes a lot of difference on the type of question you ask the healer. The more specific you will be, the more specific answers you will get. So Ritu ji, अभी रिद्धि की रीडिंग करने वाली हैं. डिविनेशन टूल जो आज हम जान रहे हैं, इजिप्शियन कार्टूश कार्ड्स. सो रिद्धि इज द लकी विनर टुडे, एंड अभी उनकी कार्ड रीडिंग होने वाली है. सो स्टे विद अस, बिकॉज़ एंड में एक और भी सरप्राइज है हमारे लिए फ्रॉम रितु जी. सो स्टे विद अस आफ्टर दिस क्वेश्चन, वील कम बैक टू दैट सरप्राइज अगेन. ऐसा है रिद्धि के इसमें आया है कि फैमिली प्रेशर है उनको, मतलब फैमिली के तरफ से ही ये चीजें हैं. यस, उनका क्या था कि वो उनकी शादी कब तक होगी एंड व्हाट अबाउट टू नो अबाउट मैरिज एंड व्हाट विल हाउ विल व्हेन विल आई फाइंड माय लाइफ पार्टनर और कैसा मिलेगा. हाँ, तो उनका ऐसा है कि फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है और फैमिली की वजह से ही वो करना चाह रही है. उनको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो बहुत वेल टू डू हो, इंडिपेंडेंट हो, क्रिएटिव इंसान हो, जैसे कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं चाहिए. मतलब ये उनकी अपनी चाहत है. दैट इज हर चॉइस, दैट द वन शी इज लुकिंग फॉर, राइट. एंड उसमें उनको बहुत टफ टाइम एक बार है, उनको सामना करना पड़ेगा जो आ रहा है. या तो उसको जो आ रहा है एक बार उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते आए होंगे, उन्होंने बहुत रिजेक्ट भी किया होगा, बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं उस प्रॉब्लम से. इफ शी कम्स आउट फ्रॉम दैट थिंग,
जो उनका प्रॉब्लम है, जो ये लेती हैं कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि मुझे ये चाहिए, ये अपने उसके वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है, ब्लॉक फिल करके रखा हुआ है कि पर्टिकुलर, जैसे ना उनको कंस्ट्रक्टिव लाइन वाला कोई बंदा हो, क्रिएटिव लाइन वाला, वो चीज अपने थोड़े से आपको थोड़ा रिलीज करे, आगे बढ़िए, जो होगा बहुत अच्छा आपको मिलेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइंग। और फिर भी कहीं ना कहीं एक बार जब मिल जाएगा तो आपके मन में ये आएगा कि आप फिर भी एनालाइज करते रहोगे, बहुत ज्यादा एनालाइज करोगे कि मैम ने ऐसा बता दिया, ये ठीक है, मैं इसके साथ खुश रहूंगी कि नहीं, ऐसा भी आपके मन में बहुत ज्यादा रहेगा। यू विल बी वेरी एनालिटिकल, बट यस, बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत 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 अच्छा लड़का मिलने वाला है। और आपके दिल में कोई बात है तो एक्सप्रेस कर दीजिएगा, द कार्ड इज शोइंग कि लास्ट में भी आपके मन में ऐसा रहेगा कि कुछ बात आप छुपा रही हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप फ्री होके बोलिएगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइंग एंड आई एश्योर्ड यू दैट यू विल गेट द जेम ऑफ अ पर्सन। और ये आपकी शादी जो है 9 months to 1 year, यू कैन मार्क माई थिंग। और अगर आपका ये चीज होता है तो आप सोल सेतु से बताइए, फोन नंबर यहाँ आ ही रहे हैं, तो वेलकम टू यू। So excellent, thank you so much for this lovely reading, Ritu ji. और रिधि ने लिखा है कि thank you ma'am and universe also for this free reading. And रिधि ने पहले लिखा था कि yes ma'am you are correct, but अभी आपने जब ये पूरा explain किया तो we would like to know from रिधि कि what all ma'am has said is right or no. So रिधि, if you want to रिधि मैम, रितु मैम इज ऑन अ पैनल ऑन सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन पैनल, और अगर आप उनसे फ्री तो आज आपकी होगी, अगर आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर इन कार्ड्स को सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट सोल सेतु, नंबर्स आर गिवन ऑन द टिकर बिलो ऑन दिस वीडियो। और ये वीडियो जो है आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो विल रिमेन ऑन आर सोल सेतु फेसबुक पेज एंड ऑल्सो ऑन आर यूट्यूब चैनल, एंड ऑल द पास्ट एपिसोड्स ऑफ वन ईयर ऑफ रूबरू यू कैन गो थ्रू ऑन आर यूट्यूब चैनल। डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सोल सेतु ऑन आर इंस्टा एंड फेसबुक पेज एज वेल। यस, रिधि सिंह मैम, इट्स फुली रेजोनेट्स, सो यस शी कैन रेजोनेट विद योर आंसर, दैट्स एक्सीलेंट। सो आपने सबने देखा ऑडियंस द पावर ऑफ दिस डिविनेशन टूल विच इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और जैसा कि रितु जी ने कहा कि बिल्कुल बैंग ऑन आंसर्स आते हैं। सो यू कैन सी वी हैड जस्ट रैंडमली पिक्ड अप रिधि एंड शी इज आई थिंक कनेक्टेड विद सोल सेतु एंड दिस रूबरू फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड she's got her lucky reading and she totally resonates with the answer which Ritu ji has just given her. So beautiful, thank you so much Ritu ji for this reading. Thank you Ridhi for getting you are so satisfied. This is the yahi ek cheez hoti hai ki jiske liye hum बहुत कंफ्यूज होते हैं, और रेमेडी में आया कि आप जो चूज कर रही हैं अब उससे थोड़ा सा आप ब्रेक करिए, जो आएगा अच्छा ही होगा। वही हम देखते हैं कि अगर हम कहीं और जाते हैं तो कोई और तरह से रीडिंग लेते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आप ये पूजा करा लीजिए या फिर गाय को चारा दे दीजिए या ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। तो इधर आपने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दिस इज ऑल हियर। तो आपके मन में क्या चल रहा है और आपको इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है, तो वो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है। एंड ये भी आप पाएंगे कि यस, यू विल डेफिनेटली गेट अ जेम ऑफ अ पर्सन। वाओ, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड रिधि, फ्रॉम सोल सेतु टीम, ऑल द बेस्ट टू यू एंड गुड लक। सो रितु जी, अभी आपने जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आपने कहा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन पूछने भी एक आर्ट है, और उसके लिए भी यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट इट। या जैसे कई लोग ऐसे पूछते हैं कि मेरी शादी होगी कि नहीं, अब ये कैसा क्वेश्चन है,
शादी तो होगी ना, आप आए हैं तो शादी होगी, या मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, राइट, मैं पास होऊंगा कि नहीं, दिस इज वेग, मतलब आप खुद ही क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। आस्क करेक्टली कि मैं कब तक पास हो जाऊंगा, राइट, मेरी शादी कब हो जाएगी, तो दिस इज यू नो एक्यूरेट कि आप आपकी होगी, यू वांट टू गेट मैरिड, यू वांट टू बी पास, या तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेरा बिजनेस है तो मैं जॉब करूं या बिजनेस, अब जैसे इस तरह से आता है तो आपका ज्यादा मन रेजोनेट कहाँ कर रहा है, जॉब या बिजनेस, तो क्या मेरे लिए जॉब करना सही है, तो वो उसमें आ जाएगा कि करना चाहिए या नहीं चाहिए, देन यू कैन स्विच ऑन कि नहीं ठीक है फिर मैं बिजनेस करूंगा, इसमें कार्ड सही नहीं आए तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक क्लियर। कंफ्यूज हाँ कंफ्यूज क्वेश्चन नहीं पूछना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। और आप इसमें किसी के लिए भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जैसे ये मैंने आपको किया, पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, एनीवन, लेकिन हॉरोस्कोप में भी टेल कि आप जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो ब्लड कनेक्शन वाले लोग हैं, उनके लिए आप ये क्वेश्चन अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज समहाउ दिस इज अ कार्मिक कार्ड्स आल्सो, तो जैसे आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले रिलेशंस होते हैं, तो इनके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो उनके साथ भी आपका कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, देन यू कैन डू। पर आप अगर सोचेंगे कि है ना मैं अपनी कोई फ्रेंड के लिए पूछूं या फिर कोई ऐसे रैंडम किसी व्यक्ति के लिए पूछूं, तो उसमें ऐसा होता है कि आता है करेक्ट, लेकिन अगेन इट मीन्स दैट यू आर इंटरफेयरिंग इन समवंस लाइफ। अभी मैं जानती हूँ पूजा बांगा, तो आई कैन नॉट ओपन हर कार्ड अंटिल एंड अनलेस आई गेट परमिशन फॉर हर, बिकॉज इफ आई डू सो तो दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ कर्मा विदाउट हर परमिशन, जबरदस्ती में उसकी जिंदगी को ताका झांकी कर रही हूँ, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच आई वुड टेल यू कि ये चीज हम नहीं करते। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी आपने देखा है कि ऐसे ही आप उनका डेट ऑफ बर्थ दोगे, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दोगे या उनका पूरा चार्ट दोगे तभी एक एस्ट्रोलॉजर देख पाएगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे, पर कम से कम उनकी परमिशन तो दीजिए। मनोहर जी पूछ रहे हैं हाउ वी कैन ज्वाइन फॉर डेमो सेशन। सो डेमो तो हमारा आज हो गया मनोहर जी, जो कि एक फ्री डेमो था। अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं इन कार्ड्स की, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं सोल सेतु से। टिकर में दोनों फोन नंबर्स आ रहे हैं, यू कैन कॉल अस और डायरेक्ट मैसेज अस और लीव योर कॉन्टैक्ट नंबर, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉल यू एंड वी कैन ऑलवेज डू अ पर्सनल कंसल्टेशन विद डॉक्टर रितु। सो रितु जी, अब एक सरप्राइज जो रह गया उसके बारे में भी बता देते हैं अपने सब ऑडियंस को। सो रितु जी एक श्योर, बहुत एक अच्छी सी एक मेडिटेशन कराना चाहती हैं फॉर आर ऑडियंस। सो आर वी ऑल रेडी? राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल मेडिटेशन नाउ ऑन रिलीजिंग योर स्ट्रेस एंड बीइंग काम। श्योर, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूवर्स जो भी आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो आप बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर, और अपनी उंगलियों को उंगली में इस तरह से फंसा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिएगा, अपने पांव क्रॉस कर लीजिए, ये इसलिए है कि आपका बॉडी जब पूरी तरह से आप इस तरह से क्लोज करके पैक होके जब बैठते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, और इससे क्या होता है, 10% एनर्जी आपके हाथों से निकलती है, 10% एनर्जी आपके पाँव से निकलती है, और 80% एनर्जी आपके आईज से निकलती है। जब हम इन तीनों चीजों को लॉक कर लेते हैं तो 100% एनर्जी डायरेक्ट हमारे अंदर इनफ्लो होती है और हम भी पूरी तरह से अपने अंदर कनेक्ट हो पाते हैं। तो आप आराम से सभी लोग बैठ जाएं इस पोजिशन में, क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली,
शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। तीन लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब धीरे-धीरे अपने शरीर के हर अंग को आप रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद ही रखिएगा। अपने दोनों पांव के तलवे, लोअर लेग्स, इन्हें बिल्कुल हल्का और हल्का महसूस करें। एकदम हल्का छोड़ दें। आपके दोनों घुटने, थाइस, ये भी पूरी तरह से रिलैक्स और हल्के और आरामदायक होते जा रहे हैं। मानव शरीर का निचला हिस्सा इतना हल्का, इतना आरामदायक, जैसे महसूस ही नहीं हो रहा। आप बिल्कुल धरती से चिपक रहे हो। अब आपके पेट के दोनों साइड ये भी बिल्कुल शांत और हल्के और स्थिर होते जा रहे हैं। आपका चेस्ट, लंग्स, पीट, ये भी बिल्कुल रिलैक्स और हल्के और शांत, पूरी तरह से शांत हो गए हैं। आपके कंधे, दोनों हाथ, अंगुलियां, ये भी बिल्कुल शांत, एकदम रिलैक्स, जैसे आप एक स्टैचू की तरह हो गए हो। अब आपका संपूर्ण चेहरा, आपकी आंखें, आपके कान, योर आईज, ये भी बिल्कुल रिलैक्स और हल्के।
आपके दिमाग के एक एक कोशाणु, एक एक सेल्स, ये भी पूरी तरह से शांत और शांत और रिलैक्स, पूरे डीप रिलैक्सेशन में आप जा चुके हैं। ये सांसें भी इतनी हल्की, बहुत धीमी हो चुकी है। मन में ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, ऐसा लगता है जैसे आप और गहरे अंदर धंसते जा रहे हैं जमीन के, अपनी चेतना की गहराई में उतरते जाएं, गो डीपर एंड डीपर। अपने अंदर सुना नहीं, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ एंड गो डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे आप अपनी चेतना की गहराई में उतरते जाएंगे, और शांति, आनंद और प्रेम की अनुभूति होगी। हमारे जीवन के सारे सवाल के जवाब हमारे अंदर ही है। इतनी शांति, इतना आनंद, इतना प्रेम, सब कुछ हमारे अंदर है। महसूस करें, जस्ट फील इट। और 2 मिनट
मन के इस अंधेरे में ना कोई डर है ना कोई चिंता, कितनी शांति है, जस्ट फील इट, महसूस करें। और एक मिनट धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट कर आएंगे। Feel your body. Take a two long deep breath. लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। और बड़े ही आराम से अपने हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखिए। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो एंड मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए। वेलकम बैक। Thank you so much, Rituji. I can't even tell you. I've been traveling and have just come back, and this meditation has done wonders. मेरे को इतना light feel हो रहा है, and actually the space was so beautiful. I didn't want it to come back only. That's the power of meditation. Yeah, it is. I hope हमारे viewers को भी पसंद आया होगा, and you can feel just in 10 minutes of meditation. आप अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्सेशन में जा सकते हैं, और इस तरह से जब भी आपका मन करे आप वहां तभी कर सकते हो, और ऐसे करने से आपका मन शांत होता है, आप हल्के महसूस करते हो और हैप्पी रहते हो, सबसे बड़ी बात है, राइट? तो इसका लाभ जरूर लीजिए जब भी आपका मन करे। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच रितुजी, एंड थैंक यू आवर व्यूअर्स, थैंक यू ऑडियंस। और अगर आप सीखना चाहते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट सोल सेतु। And thank you so much. Thank you, Rituji, for your time. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you from Soul Setu team. Yeah. Thank you so much to every team member of the Soul Setu and all the beautiful lovers, viewers, jo sabhi hum logon ko dekh rahe hain. Aapne itna valuable time diya. Thank you, everybody. Thank you. Take care. Goodbye. Goodbye. So thank you everyone who were with us, and thank you Riddhi, aaj aapko ek demo session bhi free mila. So anybody who wants to get a personal consultation on these Egyptian cartouche cards, they can contact Soul Setu, and otherwise also keep watching us on Rubaru every Thursday at 5 PM. We bring back new masters and facilitators, healers and speakers for you. और नई नई चीजें हम चाहते हैं कि आप लोग जानिए,
or do write to us if you want to know anything else, any topic which is close to your heart and you want to know. We'll get the guest, request our specialist to come and tell you about that one. So thank you so much. Do follow us on our Soul Setu YouTube channel. Subscribe us. See all the past episodes or today's episode. If you also want to watch it again, go to our YouTube channel. Thank you so much for all your love. Thank you. Hi, I'm Sakshi. This June, join me on summer solstice for a very powerful meditation and a manifestation ritual. All of us have been going through so much that I feel we deserve a little celebration, a new beginning. So join me on 20th June to meditate, to celebrate, to make magic and to give gratitude for life. सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारा सा इवेंट आने वाला है 20th जून को, समर सोलस्टिस, एंड फैसिलिटेटर इज साक्षी कालरा. एज शी जस्ट सेड कि एवरीबडी हैज गॉन थ्रू अ टफ टाइम ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, बट नाउ इट इज द टाइम टू सेलिब्रेट एंड प्रेस रिफ्रेश बटन. सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू सो, जॉइन दिस इवेंट ऑन 20th जून एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स गिवन. Or you can directly go to our website www.soulsetu.com and register yourself for our upcoming events on our Dhyan Setu this month. Ambika ji is getting a very beautiful topic, Forever Successful. And if you want to join our Dhyan Setu group, meditation circle, then also you can go on our website www.soulsetu.com and register yourself for our upcoming events. See you soon next Thursday, 5 p.m. Take care. Goodbye.